कहते हैं कि ओरछा राम राजा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या है? तो जिस टूरिज्म के दो होटल हैं, एक तो है ये शीश महल और एक बेदवा रिट्रीट है जो नदी के नाम से है, वो नदी किनारे पे है। अच्छा, वो थ्री स्टार कैटेगरी का होटल है, ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है। अच्छा अच्छा। इसका चार्ज मैं बता देता हूँ आपको, इसका डायनामिक चार्ज है, इसके चार्ज बदलते रहते हैं और 5 से 6 हजार रुपए का इसका ऑर्डिनरी रूम रहता है, लेकिन स्वीट की आप चर्चा करते हैं तो 12 से 15 हजार रुपए का मिलता है उसका। ओके, उसमें क्या इंक्लूडेड रहता है? जैसे कि ओनली ब्रेकफास्ट, ओनली ब्रेकफास्ट, डबल ऑक्यूपेंसी पे रहता है और ब्रेकफास्ट। जबकि ये ओरछा का सबसे अच्छा और सुंदर महल है, इसका नाम जहांगीर महल है। अच्छा अच्छा। उसको देखने के लिए हमारे यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। ये है जहांगीर महल और यहाँ पर ओनली 8 रूम्स हैं जहाँ पर लोग आके रुकते हैं। ये होटल है, होटल शीश महल। बच्चे बच्चे फ्री हैं और 20 रुपीज चार्ज एक आदमी का तो अब गाइज हम लोग चलते हैं जहांगीर महल देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लाइफ व्लॉग विद बीना में। तो गाइज ये है जहांगीर महल जो ओरछा में पड़ता है, तो आज हम लोग वो घूमेंगे और हम लोगों ने गाइड किया है जिससे कि वो अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सके। तो चलिए हमारे साथ ओरछा में जहांगीर महल घूमते हैं। अंदर पानी भरा हुआ है। नहाने का ही रहा होगा। बुंदेलखंड की दूसरी राजधानी बताई जाती है, पहली राजधानी थी इनकी गढ़कुंडार। गढ़कुंडार महज यहाँ से 53 किलोमीटर दूर है उत्तर में। सबसे पहले वहां से जो राजा निकल के आए थे उनका नाम था महाराजा रुद्र प्रताप सिंह, जिन्हें कभी शिकार करने का शौक हुआ करता था। तो शिकार करते हुए उन्होंने इस जगह को 1501 में खोजा। तो ओरछा का इतिहास 500 साल पुराना है। ओरछा का मतलब होता है ओट में छिपी हुई जगह, तो इंग्लिश में हो गया हिडन प्लेस। और ये जो बिल्ड देख रहे हैं आप, ये स्विमिंग पूल नहीं था, तो इनके वजू करने के लिए था ये, क्योंकि ये मिनिस्टर यहाँ पर आए थे तो उनके वजू वगैरह करने के लिए यहाँ पर ये पानी भरा गया था। अब यहाँ पर ये 4 स्टोरी बिल्डिंग, इसका नाम जहांगीर महल है। ओरछा हिंदू राजाओं की राजधानी थी, फिर ये जहांगीर का महल यहाँ पर क्यों बनाया गया? कहते हैं ओरछा के 4th नंबर के शासक महाराजा वीर सिंह देव, जिनका नाम था, उन्होंने कभी जहांगीर की हेल्प की थी। क्यों हेल्प की थी? क्योंकि यहाँ के राजा को पता था कि आने वाले समय में अकबर अपने बेटे को माफ़ करेंगे, क्योंकि जहांगीर अपने पिता अकबर से जब बगावत करके भागे थे तब यहाँ के राजा ने उनकी हेल्प की थी। आने वाले समय में अकबर बादशाह अपने बेटे को माफ़ी दे दी। जहांगीर के माफ़ी देने के ठीक 6 महीने बाद अकबर बादशाह भी चल बसे। अब अकबर के मरने के बाद जो भारत के अगले बादशाह हुए उनका नाम सलीम जहांगीर था। जहांगीर के बादशाह बनते ही यहाँ के राजा ने इस भव्य खूबसूरत महल का निर्माण कराया और जहांगीर को यहाँ पर एक रॉयल गेस्ट की तरह इनवाइट किया। तो कहते हैं जहांगीर जब यहाँ पर आते हैं तो पूरा पैलेस उनको गिफ्ट कर देते हैं। ये महाराजा वीर सिंह देव ने बनाया था, ओरछा के 4th नंबर के शासक रहे हैं। और इस पैलेस के अंदर 236 कमरे बनाए गए थे। जी हाँ, 100 कमरे तो खाली इसके बेसमेंट में है, अंडरग्राउंड में, जो उनकी आर्मी के रुकने के लिए थे। अच्छा। और 3 स्टोरी इसके ऊपर की ओर बांधे गए थे जो उनके VVIP गेस्टों के लिए थे। तो इसमें टोटल 236 रूम आपको देखने को मिलते हैं। इसके नीचे अब बेसमेंट भी है। हाँ, इसके नीचे 100 कमरों वाला बेसमेंट है। कोई भी महल बिना बेसमेंट के परिपूर्ण नहीं होता, ये आप जानते हैं। बेसमेंट होना इस महल को एक मजबूती प्रदान करना होता है। अब इस महल का जो आर्किटेक्चर है वो बड़ा ही सुंदर है। इसमें हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है।
कहते हैं इस महल को यहाँ के लोकल के राजा ने बनाया था जो हिंदू थे, और जहांगीर जो कि मुगल बादशाह थे। तो इस महल में दोनों प्रकार का आर्किटेक्चर हमें देखने को मिल जाता है। मैडम जी, ये ऊपर जो गुंबदें आप देख रहे हैं, डोम्स मुगल आर्किटेक्चर की श्रेणी में आता है सर। गुंबदों के ठीक ऊपर आपको एक कमल का फूल देखने को मिलता है, वो अपना हिंदू आर्किटेक्चर की श्रेणी में आता है। अब यहाँ जितने भी स्टेचू ऑफ एलिफेंट देख रहे हैं, जितने भी हाथी बने हुए हैं, वो पूरा हिंदू आर्किटेक्चर की श्रेणी में आते हैं। अब इसके ऊपर जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न आप देख रहे हैं, वो पूरा मुगल आर्किटेक्चर की श्रेणी में आता है। इसमें मिक्स है हिंदू और मुगल का, और आपकी नॉलेज में है कि हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा हमें एक अंतर जो देखने को मिलता है वो ये कि हिंदू आर्किटेक्चर के ऊपर काफी प्रकार के फिगर या आपको आकार मिलेंगे, बट मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर नहीं होती है। अच्छा, हिंदू आर्किटेक्चर में क्या देखने को मिलता है, इनके एनिमल्स फिगर मिल जाते हैं, इंसानों के फिगर मिल जाते हैं, चिड़ियों के फिगर मिल जाते हैं, देवी देवताओं के स्टेचू मिल जाती है, बट मुगल आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। अब जिस गेट से हम लोग यहाँ प्रवेश लिए थे, जो मेन गेट है, ये खुलता है पूरब दिशा की ओर। हम जहाँ ले चल के आपको दिखाएंगे हमारी ओरछा की प्राकृतिक सुंदरता, जो आज हमारे लिए गॉड गिफ्ट है, आपको देखेगा वहाँ से उनकी पूरी आपको जानकारी मिलेगी। ओके, बहुत ही सुंदर। ये हवेली उस जमाने में इनके मंत्री मिनिस्टर्स के रहने के घर थे। अच्छा, ये जितने बने हुए हैं। हाँ, ये फिर ये पीछे एक आउटर वॉल है। ये फोर्टिफिकेशन वॉल कहलाती है, जो 3.5 किलोमीटर घेर करके आ रही है। इस चारों तरफ से कोई यहाँ पर आसानी से आक्रमण नहीं कर पाएगा। ये जो चारों तरफ से वॉल बनी हुई है, हाँ, ये पूरी वॉल बनी है। अच्छा, ये जो बनी है, इवन यहाँ पर एक कैमल स्टेबल आपको देखने को मिल जाता है। इसके ऊंचे ऊंचे दरवाजे बताते हैं, कल इसके अंदर ऊंट बांधे जाते थे। अच्छा। और इसके ठीक नीचे एक बहुत बड़ा बेसमेंट हुआ करता था, वो उनके हॉर्स के लिए था। और पीछे यहाँ पर ये पानी का टैंक हुआ करता था। अच्छा। यहाँ पर इनके जानवर वगैरह के पानी पीने के लिए स्टोर पानी करते थे। पीछे से बेतवा नदी आपको चलती हुई नजर आएगी। अच्छा। मध्य प्रदेश में दो सबसे लंबी रिवर का जिक्र हो जाता है, एक नर्मदा एक बेतवा। बेतवा नदी को जो लंबाई है वो 589 किलोमीटर की है। इसका जो ओरिजिन है वो विंध्याचल रेंज है, और ये नदी रायसेन से निकल करके आगे जाने पर ये हमीरपुर में मिलती है यमुना में, और हमीरपुर से फिर यमुना मिलने के बाद ये यमुना जाती है गंगा जी मिलने के लिए इलाहाबाद। अच्छा। यहाँ पर त्रिवेणी संगम है गंगा यमुना एंड सरस्वती। अब पीछे कुछ प्राचीन मंदिर आप देख रहे हैं सर, ये मंदिर जो है एक्टिव नहीं है, इनके अंदर पूजा नहीं होती है। आप बाहर से पता लगा सकते हैं कैसे, इन मंदिरों के ऊपर कोई फ्लैग नहीं है। जिन भी मंदिरों के अंदर पूजा होती है उनके ऊपर फ्लैग होना बहुत जरूरी होता है, और जिनके अंदर मतलब मूर्ति नहीं होती उनके ऊपर फ्लैग हमें देखने को नहीं मिलता। नहीं मिलता। फिर हम चर्चा करते हैं एक छोटे से महल के बारे में जो आपकी आंखों के ठीक सामने है। मैडम जी, इस महल का निर्माण खाली एक डांसर के लिए हुआ था। अच्छा, ये वाला। इसका नाम था राय प्रवीण। राय प्रवीण हमारे उड़ीसा के सबसे सुंदर डांसर का नाम बताया जाता है, और इसकी सुंदरता की जो तुलना है
उस जमाने में सबसे सुंदर जो दो रानियां रही, एक मृग नैनी जो राजा मानसिंह की नवी रानी थी, इनके जो नैन थे वो लंबे और चौड़े नैन थे। एक रानी का नाम आता है रूपमती जो मांडू की थी, बाज बहादुर की। अब इनकी जो सुंदरता थी मतलब इतनी आगे बढ़ी, प्रसिद्ध हुई कि इन्हें अकबर के दरबार में बुलाया गया था। अच्छा, अकबर थे कला प्रेमी, अकबर चाहते थे कि ऐसे सुंदर या हुनर वाले जो लोग हैं वो हमारे दरबार में शोभा बन के रहें। तो ये राय प्रवीण को जब अकबर के दरबार में जाने के लिए कहा गया तो राय प्रवीण अपने कदमों को बढ़ाती हुई जब अकबर के सामने पहुँचती हैं तो उन्हें झुक करके प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि मुझे आपसे एक प्रार्थना करनी है। अकबर कहते हैं कहो क्या कहना चाहती हो। अब ये राय प्रवीण चूंकि बहुत अच्छी कवित्री थी तो उन्होंने अपनी पूरी प्रार्थना को एक कविता के लहजे में कहा। इनकी प्रार्थना रूपी जो कविता है उस प्रकार से बताई जाती है कि बिनती राय प्रवीण की सुनिए साहे सुजान, झूठी पातर भगत हैं बारी वायस्वान। और ये दोहा खत्म होने के बाद अकबर बादशाह ने उसको ओरछा वापस भेज दिया। अच्छा। हाँ, और राय प्रवीण जब यहाँ आती है तो यहाँ के राजा काफी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं उसके उसको। अच्छा, इसका मतलब क्या है? हाँ, इसकी मीनिंग ये होती है कि राय प्रवीण आपसे एक विनती कर रही है। अच्छा। सुनिए साहे सुजान, आप भारत के सम्राट हैं, आप बादशाह हैं, आप सुने, मैं एक झूठी पत्तल के समान हूँ। इसलिए आपने आपको झूठी पत्तल बताया था तो कुत्ते कौए इसको खाना शोभा देते हैं तो मैं झूठी पत्तल हूँ। तो अकबर बादशाह को समझते देर न लगी कि यदि हम इसको रख लेते हैं तो सामने चर्चा क्या जाएगी। इसके इतना बोलने के बाद भी अकबर बादशाह ने उसे रख लिया क्योंकि अकबर बादशाह काफी स्वाभिमानी टाइप के थे तो जस्ट बाय रीजन की उन्होंने इसको वापस भेज दिया। तो राय प्रवीण जब यहाँ वापस आती है तो वो अपनी चतुराई से चूंकि यहाँ वापस आई थी तो राजा काफी खुश हो जाती है सुनकर के कि अपने आप से वापस आ गई तो उसको रहने को छोटा सा ये महल बना के दिया था। इसका नाम पड़ता है राय प्रवीण महल। तो मैडम जी इसे बोलते हैं ब्यूटी विद ब्रेन, इज ग्रेट कॉम्बिनेशन बट फॉर द मैन इज वेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन। अब जहाँ पर आप खड़ी हैं यहाँ पर तीन प्लेटफॉर्म बनाए गए थे। अच्छा। जो यहाँ पर हाथी की सवारी करके आएगा उसको हाथी साइड में यहाँ पर खड़ा रहेगा, वो बंदा यहाँ उतरेगा। सेकंड वो कैमल के लिए था, तीसरा हॉर्स के लिए था। सामने उनका वो गैराज हो गया। अब व्हीकल्स के रूप में भाई आप जानते हैं ग्रुप ऑफ आर्किटेक्ट काम किए इस महल के अंदर। जो प्लानर थे वो कहाँ कहाँ से उन्होंने मंगाए थे। इस महल को बांधने में 11 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, 11 करोड़। और इसमें महल का जो स्टोन है वो 70% ग्रेनाइट है जिसकी वॉल बनाने के काम में आया है और 30% इसका सैंड स्टोन है जो बलुआ पत्थर कहते हैं जो कोटा स्टोन कहलाता है। एक जो होता है कमानी आर्किटेक्चर जिसके ऊपर ये पूरा गेट बना हुआ है, इसके ऊपर वो तो जो बालकनी आप देख रहे हैं हाँ। वो दोनों बालकनी उस लेडीज खड़े होने के लिए थी कि जहांगीर जब यहाँ से निकलने वाले होंगे तो उनके ऊपर फूलों की बरसात करेंगे। साथ ही आपको नजर आएंगे दो हाथियों की जोड़ी। हाँ। एक हाथी अपने सूर में घंटी लिए खड़ा है और दूसरा वाला फूलों का हार। तो आप जानते हैं ये अपने भारत में सिंबल ऑफ वेलकम स्वागत निशानी बताते हैं। अब उसकी बालकनी पे चल रहा है हमें मंदिर दिखाने सामने के। वापस से यहीं पे आना है। कहते हैं कि ओरछा राम राजा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वही राम राजा मंदिर जहाँ भगवान श्री राम बैठे हुए हैं, नहीं तो वही जगह आपको मिलेगा खड़े हुए। जो पीली बिल्डिंग आप देख रहे हैं जो ऑरेंज कलर के सामने। अच्छा, ये ऑरेंज सरकार का मंदिर है।
अच्छा ये वाला यहीं पे शाम को आरती होती है, तो गार्ड ऑफ ऑनर सलामी दी जाती है इनकी पूजा और आरती के दौरान। इतिहास में ये बताया गया है कि उड़ीसा की एक महारानी रही है, इनका नाम रानी कुंवारी गणेश था, जो भगवान श्री राम की अनंत भक्त थी। ये भी कहा जाता है कि ये भगवान श्री राम को अयोध्या लेने के लिए भी गई थी। अच्छा, राम जी ने साक्षात रूप में दर्शन दिए थे, प्रकट हो गए थे इनके सामने। इन्होंने आग्रह किया कि प्रभु हम आपको लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो कहते हैं कि महारानी से भगवान काफ़ी खुश होने के बाद कहते हैं कि ठीक है हम चलेंगे उड़ीसा आपके साथ, लेकिन तीन शर्तें होंगी। पहली शर्त कि मुझे आप अपने साथ जहाँ पर ले जा रही हैं वहाँ के हम राजा होंगे, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, राम राजा सरकार, राम राजा सरकार। दूसरी शर्त, हम आपके साथ पैदल चलेंगे, पुष नक्षत्र में चलेंगे और पुष नक्षत्र महीने में एक बार ही आता है। तीसरी शर्त कि एक बार जहाँ बैठ गए वहाँ से कभी नहीं उठेंगे। अब इतिहास कहता है कि महारानी जब भगवान श्री राम को लेकर के यहाँ पर आती हैं, तो उनको बैठने के लिए बड़ा सा ये मंदिर का निर्माण हो रहा था। अच्छा। इस मंदिर का नाम आज चतुर्भुज मंदिर है, जो बन के कम्प्लीट नहीं हो पाया। भगवान श्री राम को बैठने के लिए सबसे साफ जगह चाहिए रहेगी, तुम्हारे घर की क्या होती है, किचन। आज जो राम राजा सरकार का मंदिर आप देख रहे हैं मैडम जी, उस जमाने में वो राज रसोई थी। अच्छा। राज रसोई का मतलब होता था कि राजा की कोई संतान होती थी, इनके यहाँ शादी विवाह का कोई प्रोग्राम होता था, तो राजा पूरी नगर का भोज करा देते, तो उस पूरी नगर का भोज किसी राज रसोई से बन करके निकलता था, जहाँ राम जी को बैठा ला गया, फिर भगवान वहां से नहीं उठे, यहाँ बैठ गया सो बैठ गया। अब इस शर्त भगवान श्री राम ने क्यों ली थी भला, क्योंकि भगवान श्री राम को पता था कि हमारे लिए वहां पर एक मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि वो राजा के रूप में आ रहे थे और राजा आपको मंदिरों में नहीं मिलेंगे। मंदिरों में कौन मिलेगा, भगवान मिलेंगे महलों में। लीजिए आज राम राजा सरकार का मंदिर किसी भी एंगल से आपको टेम्पल आर्किटेक्चर नजर नहीं आएगा, वो पूरा एक महल नुमा बना हुआ है। वहाँ राम जी को बैठा ला गया, फिर भगवान वहां से नहीं उठे। फिर जो बड़ा वाला मंदिर जो भगवान श्री राम को बैठने के लिए बन रहा था, वो खाली हो गया, राम जी तो गए नहीं। फिर उस मंदिर में बहुत बाद में विष्णु भगवान को बैठा ला, कृष्ण भगवान को बैठा ला, तो विष्णु भगवान के होने से उस मंदिर का नाम निकला चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले विष्णु भगवान। क्लियर? तो आज वहाँ पर विष्णु भगवान की मूर्ति है। सामने कुछ प्राचीन खंडहरों को देखते हैं, वो छतरी है, ये बड़ा वाला। फिर वो छतरियाँ हैं, छतरी होती समाधियाँ, राजा के मरने के उपरांत जहाँ उनको जलाते थे उसी जगह पर उनकी याद में एक स्मारक खड़ा करते थे, उसको हम छतरी बोलते हैं। तो एक राजा के लिए एक छतरी बनाई जाती थी, तो वहाँ पर छोटी बड़ी मिलाकर के 14 छतरियाँ देखने को मिल जाती हैं। इसका मतलब कि बुंदेलखंड में कितने राजा रहे, 14। क्लियर? अब हिंदू रिलीजन में शमशान घाट या क्रिमेशन ग्राउंड हमेशा आपको मिलेगा नदी के किनारे पर, तो बेतवा नदी का वो किनारा है और वहीं पर वो सारी छतरियाँ बनी हुई। ओके, थैंक यू। भैया आपका क्या नाम है? संजय सिंह यादव हमारा नाम है और उड़ीसा में हम विगत वर्षों से गाइड का काम कर रहे हैं। ओके, आपका मोबाइल नंबर? 8349-750-943। तो गाइज ये संजय जी हैं और यहाँ आने पर इन्होंने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया और डिस्क्राइब किया, हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाया और सारी चीज़ें घुमाई। अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो प्लीज़ ये नंबर, आप मोबाइल नंबर है इनका, नंबर डायल करिए और ये बहुत अच्छे से आपको घुमाएंगे, सारी चीज़ें समझाएंगे। ओके, थैंक यू भैया, मोस्ट वेलकम। और अब उन लोग चलते हैं। तो गाइज यहाँ से ये दिख रहा है चतुर्भुज मंदिर, बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहा है, नाइस। तो गाइज देखा आपने कि ओरछा में कितना सुंदर जहांगीर महल था, और भी जगहें थी घूमने की पर बहुत रात हो चुकी थी, तो हम लोग नीचे आ गए और उसके बाद ओरछा से डायरेक्ट हम लोग झांसी आ गए, और 13 से 14 किलोमीटर पड़ता है ओरछा। फिर सब लोगों ने, एक बीकानेर रेस्टोरेंट है वहाँ पर सब लोगों ने डिनर किया, और इसके बाद फिर सब फ़ोटो वगैरह जो क्लिक की थी मैं लास्ट में लगा दूँगी। तो गाइज़ यही थी मेरी वीडियो, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।